दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए। और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आकाश कौशिक और आज हम जानेंगे कि ध्यान कैसे करते हैं। आज हम बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास करने जा रहे हैं। बॉडी स्कैन मेडिटेशन एक तरह का प्राचीन साइंस है जिसके द्वारा शरीर के सभी अंगों को एक एक करके रिलैक्स किया जाता है। अब हम आज के इस बॉडी स्कैन मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करते हैं। यह अभ्यास अगर आप लेट कर करें तो उचित होगा, वरना आप बैठकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। सबसे पहले आप आराम से लेट जाएं या बैठे रहें। इसके बाद अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब आप बाहरी जगत को पूरी तरह से भूल जाइए और अपना ध्यान अपने शरीर की तरफ लेकर आइए। महसूस कीजिए कि आप लेटे हुए हैं। अपना ध्यान पूरी तरह से इस प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आइए। अब आप पूरे शरीर को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित कर लीजिए और अपनी सांस को अंदर और बाहर जाते हुए महसूस कीजिए। अब आपका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। अपना ध्यान धीरे से अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें और महसूस करें कि आपका अंगूठा धीरे धीरे रिलैक्स होता जा रहा है। अगर आपको वहां कोई तनाव महसूस हो रहा है तो उसे ढीला छोड़ दें और अंगूठे को रिलैक्स करें। अब इस अंगूठे के साथ वाली पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली को बारी बारी ढीला छोड़ते जाएं। अगर वहां भी कोई तनाव है तो उसे दूर कर लें और महसूस करें कि धीरे धीरे आपका पंजा रिलैक्स होता जा रहा है। अब आप दाहिने पैर की तली और एड़ी पूरी तरह से रिलैक्स होते हुए महसूस कर रहे हैं। अब आपके दाहिने पैर का घुटना और थाई पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। अपने पैर के अंदर हो रही हर सेंसेशन को महसूस करें। मैं जिस भी हिस्से का नाम ले रहा हूँ, शरीर के
उस हिस्से को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। अब इसी तरह से अपना ध्यान बाएं पैर की तरफ लेकर आएं। धीरे धीरे बाएं पैर के अंगूठे को बिल्कुल रिलैक्स कर दें। फिर धीरे से पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली को तनाव मुक्त होते हुए महसूस करें। अपने पैर के सभी मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। इसके साथ ही आपकी एड़ी और तली पूरी तरह से रिलैक्स हो चुकी है। जो भी तनाव था दूर हो चुका है। अब आप अपना घुटना और थाई पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। ऐसा करते हुए आपको कभी कभी ब्लड फ्लो होते हुए महसूस हो सकता है। यह बहुत ही साधारण बात है। अब आप अपने दोनों पैरों को एकदम शांत और तनाव मुक्त महसूस कर रहे हैं। अब आप अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने हिप्स की तरफ लाएं। महसूस करें कि आपके सारे मसल्स धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं। अब अपना ध्यान धीरे से अपने स्टमक से गुजारें और महसूस करें। जैसे जैसे ध्यान स्टमक से गुजर रहा है वैसे वैसे मसल्स ढीले पड़ रहे हैं और शांत हो रहे हैं। जैसे जैसे सांस अंदर और बाहर जा रही है वैसे वैसे नाभि ऊपर और नीचे हो रही है। अपनी नाभि पर अपना ध्यान केंद्रित करें और उसके अंदर की हर सेंसेशन को महसूस करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी चेस्ट भी रिलैक्स हो चुकी है और उसके दाएं और बाएं दोनों हिस्से रिलैक्स हो चुके हैं। अब आप अपनी पीठ की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं। पीठ के निचले हिस्से को तनाव मुक्त होते हुए महसूस करें। ध्यान दें कि आपकी पीठ सरफेस से बिल्कुल सटी हुई होनी चाहिए। सरफेस और पीठ के बीच में बिल्कुल भी एयर गैप नहीं होना चाहिए। अब पेट के ऊपरी हिस्से पर अपना ध्यान लेकर आएं और उसे भी रिलैक्स होते हुए महसूस करें। पीठ के ऊपरी हिस्से से होते हुए अब कंधों से अपना ध्यान गुजारें। अक्सर हमारे कंधों में शरीर का अधिकांश बल इकट्ठा होता है, इसलिए उसे धीरे धीरे रिलैक्स कर दें।
प्रेजेंट मोमेंट में इस रिलैक्सेशन को महसूस करें। अब आपके कंधे और कोहनी तक का हिस्सा एकदम रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री हो चुका है। अब आप अपना ध्यान दाहिने हाथ की हथेली पर लेकर आएं। धीरे धीरे ध्यान को अपने अंगूठे और सभी उंगलियों से होते हुए गुजारें। महसूस करें कि आपकी हथेली और उंगलियां रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे आपका मन बहुत शांति महसूस कर रहा है। अब बाएं हाथ की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें। कोहनी से ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा रिलैक्स होता जा रहा है। अंगूठा और पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी सभी उंगलियां एकदम हल्की और ढीली छोड़ दें। धीरे धीरे पूरे हाथ को एकदम शांत और रिलैक्स महसूस करें। इस समय तक लगभग शरीर का 80% हिस्सा एकदम रिलैक्स और स्ट्रेस फ्री हो चुका है। अब अपना ध्यान गर्दन की ओर केंद्रित करें। ध्यान दें कि आपकी गर्दन बिल्कुल भी मुड़ी हुई ना हो, ताकि कॉस्मिक एनर्जी पूरी तरह से पूरे शरीर में बिना किसी बाधा के फ्लो हो सके। गर्दन के आगे और पीछे दोनों हिस्सों को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। आप अपना ध्यान सर के ऊपरी हिस्से में लेकर आएं। अब तक जो आपने किया वह गर्दन से नीचे के हिस्से का ध्यान था, और अब हम शरीर के सबसे जटिल अंग दिमाग की तरफ अपना ध्यान लेकर जा रहे हैं। यहाँ आप बहुत शांत और तनाव मुक्त होकर ध्यान को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले अपना ध्यान माथे के केंद्र में लेकर आएं। अब धीरे धीरे एक एक करके 5 बार गहरी सांस लें और छोड़ें। आप देखेंगे कि आपका सर एकदम हल्का हो चुका है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी आईब्रोज रिलैक्स होती जा रही हैं। आपका माथा एकदम हल्का और शांत होता जा रहा है। आपके सिर का दायां और बायां दोनों हिस्से पूरी तरह से रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे धीरे आपकी दोनों आंखें एकदम शांत होती जा रही हैं। आंखों पर कोई भारीपन या तनाव नहीं है। अब आपकी नाक और दोनों कान एकदम स्टेबल हो चुके हैं। अब एक बार नाक से गहरी सांस लें और अंत में अपने होठों को
थोड़ा सा खोलकर सांस को बाहर आने दें। आप देखेंगे कि आपका पूरा शरीर सर से लेकर पंजों तक बिल्कुल शांत हो चुका है। आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है और आपका ध्यान इस समय पूरी तरह से शरीर के अंदर आ चुका है। अपनी आती और जाती हुई सांसों को दर्शक बनकर देखते रहें। अगर बीच में कहीं भी ध्यान किसी और तरफ जाए तो उसे बहुत प्यार से और धीरे से वापस लेकर आएं। आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी आपकी सांसों के माध्यम से बाहर जा रही है और बहुत पवित्र पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आ रही है। एक पॉजिटिव ऊर्जा सर के ऊपरी हिस्से से अपने अंदर प्रवेश करते हुए महसूस करें। महसूस करें कि यह ऊर्जा आपके गर्दन, छाती, पेट और पैरों से होते हुए पूरे शरीर के अंदर बह रही है। आपका मन बहुत शांत और पवित्र होता जा रहा है। आपको अपने मन में अपने और संसार के लिए बहुत प्रेम महसूस हो रहा है। शरीर एकदम हल्का और हवा पर लेटा हुआ महसूस हो रहा है। सकारात्मक ऊर्जा आपके पूरे शरीर में भरती जा रही है। अब इस स्टेट में आप जो चाहें संकल्प या अफर्मेशंस कर सकते हैं। आप खुद को पहले से एक बेहतर पर्सन महसूस कर रहे हैं। संकल्प करें कि अब से आप इसी तरह शांत रहा करेंगे। सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आप भी सबके लिए ऐसा ही महसूस करते हैं। सब कुछ ठीक होता जा रहा है। संसार में कुछ भी होता रहे, आप विचलित नहीं होते हैं। आप एक बहुत पवित्र इंसान बन चुके हैं। आप एकदम क्लियर और कॉन्फिडेंट हैं। हर चीज के बारे में आप बहुत शांति से सोचते हैं और समझते हैं। आप जो चाहें इस स्टेट में दोहरा सकते हैं। आपने अभी जो भी खुद से कहा वह आपके अवचेतन मन की गहराई में पहुंच चुका है। आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। अब धीरे से अपने ध्यान को वापस संसार की तरफ लेकर आएं और जहां लेटे हैं वहीं उठकर बैठ जाएं। अपने हाथ पहले घुटने पर रखें और फिर दोनों हाथों को रब करते हुए आंखों से लगा लें। अपने आप को वापस संसार में आता हुआ महसूस करें। अब बाहर कुछ भी चलता रहे, आप भीतर से सदा शांत रहेंगे। मन पूरी तरह से शांत है और आपके नियंत्रण में है।
धन्यवाद।